आपका फ्रेंड मिथलेश, और आज हम लोग सीखेंगे मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल से पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? सोचिए और समझिए और बोलिए। विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। इसके अलावा चाणक्य जो थे उनके और भी नाम थे, कौटिल्य भी थे, विष्णुगुप्त का ही जाता था, और चाणक्य जो है ये तीन नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सोचिए और बोलिए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, और इनके गुरु जो हैं वो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य थे, जिनके मार्ग पर चंद्रगुप्त मौर्य चला करते थे, और इन्हीं के बदौलत जो है मौर्य वंश का जो है निर्माण हुआ, और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते हैं करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? फिर से क्वेश्चन सुनिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म, यानी अशोक जो है बहुत ही प्रतापी, बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, और उन्होंने जब कलिंग के युद्ध जब जीती तो उन्होंने बहुत ही शोकाकुल परिवार से मिला, जिन्होंने बहुत ही लोगों को आंसू देखे। आंसू के बाद उनका हृदय जो था पिघल गया, और उन्होंने बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना निर्णय लिया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना यह चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। क्या होगा? पण। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, यानी कौन था? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। क्या होगा आंसर? विशाखा दत्त। नेक्स्ट है, 8 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश जो थे, नंद वंश के साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे, और मौर्य के पास उतना सैनिक या शासन व्यवस्था उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे जो है अपना साम्राज्य को विस्तार करके नंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन किए बाद में, लेकिन सारा जो है रणनीति जो है वो चाणक्य का ही जाता है श्रेय। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था या क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज जो यूनान का एक राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया आए आए थे, ये कई वर्ष तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे, और उन्होंने भारत में जो जो चीज़ देखे हैं वो इंडिका नामक पुस्तिका में पुस्तक में लिखे हैं। इंडिका नामक जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है, जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया जाता है, पाटलिपुत्र का वर्णन है, बहुत सुंदर ढंग से पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा किस भाषा से जो है या लेख का वर्णन है? प्राकृत। क्या होगा? प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में, 7 कैटेगरीज
श्रेणियों में कैटेगरी में। ओके नंबर 12 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम प्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो है आंसर चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज का बना था, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन, सांची का सत्तू किसने बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सांची का सत्तू किसने बनवाया, अशोक ने। अशोक ने सांची का सत्तू बनवाया। सांची का सत्तू जो है एक बौद्ध स्मारक है, बौद्ध स्मारक है जो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में सांची नामक स्थान बेतवा नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची सत्तू का निर्माण का श्रेय अशोक को ही जाता है। इसका अर्थ होता है ये ढेर होता है, यानी संस्कृत या पाली से निकला हुआ ये शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया है, 305 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं 305 ईस्वी पूर्व। देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये तो सांची का स्तूप है ये है पिक्चर में। ये क्वेश्चन था जो 15 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, 305 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के शिलालेख अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है, प्राकृत व पाली, प्राकृत व पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो मेगास्थनी जो यूनान के राजदूत थे उन्होंने कहा, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में जो आए थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, अगर आपको अशोक के बारे में जानना है तो कौन सा स्रोत का अध्ययन करेंगे, शिलालेख देख सकते हैं, पत्थरों पर लिखी हुई लेख जो है यहाँ पर देख सकते हैं, शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, अशोक ने, इसका आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग कई एग्जाम में आ चुके हैं और हो सकता है कि आए अन्य एग्जाम में भी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था, महेंद्र एवं संगमित्रा। ये धन्यवाद, यहाँ जो है 20 क्वेश्चन थे आपके। अगले क्वेश्चन जो है मैं लेकर आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।